आप समझ जाइए ये मोदी मीडिया देश को बर्बाद कर रही है और वैसे वैसे मीडिया को जेल में डालने की जरूरत है जो देश की सेना पर राजनीति करेगा, देश के अन्नदाताओं को आतंकवादी कहेगा, वैसे वैसे मीडिया को बैन करने की जरूरत है। आप बताइए ना, अन्नम गोस्वामी जिसकी बात करते हैं हरामी हराम दिखाने वाला, दिन रात मोदी मोदी करता है, किसानों को आतंकवादी बोलता है, खालिस्तानी बोलता है, और जब देश के जवान शहीद होता है तो जश्न मनाता है, उसको तो जेल में होना चाहिए। आज हुआ देशभक्त चैनल बना हुआ है, अरे बिल्कुल लेंगे। एक कहावत है बिहार में, दशरथ मांझी ने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी तरीके से ये कृषि कानून जब तक राज्य रद्द नहीं हो जाता है, एमएसपी भी कानून नहीं बन जाता है, हम घर जाने वाले नहीं है। क्योंकि नदी का रास्ता पहाड़ कभी नहीं रोक सकती है, नदी अपना रास्ता पहाड़ कर चीर कर बनाता है। उसी तरीके से किसान आंदोलन तब खत्म होगा जब तीनों कृषि कानून रद्द होगा और एमएसपी का कानून बनेगा। मोदी को भी देखते हैं कितना घमंड है, जब सीता जी को रावण ने अपहरण किया था तो बोला था सीता जी को नहीं छोड़ेंगे, जब अंग्रेज ने हमारे देश में हुकूमत कर रहा था तो बोला था इस देश से भी नहीं जाएंगे, तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि रद्द नहीं करेंगे, तो रावण को भी छोड़ना पड़ा सीता जी को, अंग्रेज को भी इस देश से भागना पड़ा। उसी तरीके से ये मोदी सरकार को भी कृषि कानून रद्द करेगा, नहीं रद्द करेंगे तो जहां से ये कृषि कानून पास हुआ है लोकसभा से वहां पर भी पहुंचकर मोदी जी के कालर पकड़ कर निकालेंगे, बोलेंगे किसानों का कृषि कानून रद्द करो नहीं तो तुमको हम देश में घूमने नहीं देंगे। 2022 आ रहा है, जब बलात्कारी हमने कौन से अपराध कर दिए, किसान की आवाज उठाने पे जेल में डालेंगे। अरे भगत सिंह तो फांसी के तख्ते पे झूल गए, हम डरने वाले लोगों में से नहीं। और जो लोग हमसे कहते हैं ना कि मोहित शर्मा क्यों बोलता है हर मुद्दे पे, तो मैं बताता हूँ आज मैं क्यों बोलता हूँ। जब घर की छत से पानी टपकता है तो उसका भी इलाज किया जाता है, क्योंकि वो हमारा घर है और हमारे लिए पूरा हिंदुस्तान हमारा घर है, और जो भी हमारे इस घर के अंदर नफरत घोलेगा, जहर घोलेगा, हम उसके खिलाफ बोलेंगे। और अगर उसके खिलाफ बोलना अपराध है तो हम अपराधी हैं। एक जर्मन के वैज्ञानिक माइकल लिखते हैं 1503 के अंदर में कि जिस देश का शासक अपने वस्त्र बदलने पर ध्यान देता है, समझ लीजिए उस देश की हालत जो है, उस देश की बागडोर जो है वो कमजोर हाथों में है। तो आप देख लीजिए, 56 इंच को कमजोर कह रहे हैं, 56 इंच किसने बताया, 56 इंच का रह रहा है, बॉर्डर पे ना जाओ, छप्पन इंच का सीना इस देश की माता है, पिता का है, जिसने देश के खातिर अपने बच्चों के सीने पे पत्थर रखकर अपने बच्चों को सरहद की हिफाजत करने के लिए भेजा। आज शंभू भाई देश की सरकार उन किसान भाइयों से प्रमाण मांग रही है तिरंगे का, जिनके बच्चे तिरंगे में लिपट लिपट कर आते हैं। होली दिवाली देखिए, सभी को पता है कि होली दिवाली कैसे मनती है भाई। एक बात आप सुनिए, बॉर्डर पर अगर होली दिवाली मनती ना, आप ये देख लीजिए एक नेता का नाम बता दीजिए जिसके बच्चे सरहद की हिफाजत करने जाते हो। आज जिन सेलिब्रिटियों की आप बात करते हैं, ये सेलिब्रिटी ये सी वाले नहीं, ये एस वाले हैं, सेल वाले हैं, समझ रहे हैं, बिकने वाले, जिन्होंने अपने ईमान का सौदा कर दिया है। एक ऐसे सेलिब्रिटी का नाम आप बता दीजिए जिसने अपने बच्चों को देश के खातिर सरहद पे भेजा हूँ।